सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर काशिफ से गप लगाएंगे। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम काशिफ, क्या है आज आपके पास हमारे लिए? जी गुड मॉर्निंग, आज मेरे पास वर्कआउट तो था, फैट लॉस के हवाले से था मेरा वर्कआउट, लेकिन जब मुझे पता चला, अभी आप ऐसे ही बैठे बैठे आपने बताया, अनाउंस किया कि जो डॉक्टर नौशीन है वो पतलापे से निजात का नुस्खा लेके आई है, तो उसमें जस्ट एड ऑन एक होता है, जस्ट आपका जब वर्कआउट आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है, बेसिकली न्यूट्रिशन के साथ साथ ये एक फ्लेवर है, आप समझ लें कि एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे या आप वर्कआउट करेंगे इस तरह से, तो आपका जल्द अज जल्द जितना कम वक्त में ज़्यादा वजन बढ़ेगा और मतलब एक शॉर्ट टाइम में आप जल्दी नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वर्कआउट है साइज़ पतलापे से मोटापे पे आने के लिए, और इसमें हम जो टेक्निक हमेशा रखते हैं, रेपिटेशंस कम रखते हैं, सांस जो है हम साथ साथ वर्कआउट के लेंगे, पानी पिएंगे और रेस्ट हम ज़्यादा करेंगे। वार्म अप अपने करना है 5 से 10 मिनट का, और हम स्टार्ट करेंगे डंबल्स फ्लाइज के साथ। आपने लेटना है सबसे पहले, और इसमें मैं 3 से 4 मसल्स इन्वॉल्व करूँगा ताकि हमारे जो फुल बॉडी में इसको शामिल किया जा सके इस वर्कआउट को। आपने 5 से 10 मिनट वर्कआउट किया, उसके बाद हम यहाँ से फ्लाइज से शुरू करेंगे, ठीक है? और आपने हैवी वेट यूज़ करना है। मैं और तहमीना अक्सर बात करते हैं जब भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग के हवाले से बात करें, फैट लॉस या फैट या वज़न बढ़ाने के हवाले से, तो आपने क्या करना है साथियों, आपने हैवी प्रोग्रेशन की तरफ जाना है, आप वेट बढ़ाते जाएं हर सेट के बाद, और आपने 4 सेट्स करने हैं, और आपने 1 मिनट से 2 मिनट तक का गैप लेना है हर सेट के बाद। यानी 2.5 किलो से अगर शुरू करें तो बेशक 4 पे जाएं, 4 के बाद 5 पे जाएं। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अगर आप 2.5 से शुरू करेंगे तो मैं चाहूंगा आप अगला सेट 3 से शुरू करें, 3 के बाद 4। इसके आपने 4 सेट्स किए, आपने रेस्ट लिया, पानी पिया, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की जानिब, जो कि है हमारी ट्राइसेप की। इसमें हम करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है? नाजुक कलैया की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपकी नाजुक कलैया अब नाजुक नहीं रही, क्योंकि मैं आपको डेली एक्सरसाइज करवाता हूँ और आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आपने ये हाथ रखने हैं, हाथों की प्लेसमेंट ये की। सो ये पुशअप्स हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी पुशअप्स हैं, लेकिन अगर आप इनवर्ड अपने हाथों को मोड़ लेंगे, आपका प्राइमरी मसल ट्राइसेप है, सॉरी तो सिख भाई, और सेकेंडरी मसल आपकी चेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, कंपाउंड मूवमेंट्स में हमने जब वजन बढ़ाना होता है तो हम कंपाउंड मूवमेंट्स यूज करते हैं जिसमें हमारे एक से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेट्स कितने करने हैं इसके? 4 सेट्स करने हैं और रेपिटेशन 6 to 8 रेपिटेशन। और यही चीज है कि क्योंकि हमने वजन थोड़ा सा बढ़ाना है इसलिए 6 to 8, लेकिन अगर यही चीज हम वजन घटाने के लिए कर रहे होते तो मे बी 12 to 15 रेपिटेशन हम करते। बिल्कुल सही कहा आपने तो सिंह भाई। अगली एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप्स किकबैक। बेंड होंगे ऐसे एल्बोज 90 डिग्रीज, और अगर तो सिख भाई मुझे बताइए मेरी फॉर्म ठीक है, मैं आपकी तरफ डायगनल हो जाऊं। जी आप डायगनल हो जाइए जी, ऐसे होंगे आप बैक स्ट्रेट, ठीक है? बैक में आर्च, चेस्ट अप, हल्का सा बेंड, नीज हल्के से बेंड करने, आपने एल्बो ऊपर आएगी यहाँ पे लॉक करके, एंड ऑल द वे ब्रीद आउट ब्रीद इन, कॉन्ट्रैक्शन करना है, स्क्वीज करना है, और अपना माइंड का मसल का कनेक्शन इस एक्सरसाइज में जरूर बनाना है। वैसे दूसरा एक्सरसाइज में बनाना जरूरी है, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं पूरी बॉडी एक तरह से तकरीबन लॉक्ड है जी, लेकिन जो फोर आर्म और अपर आर्म पे कंप्लीट फोकस है जी, तो उसको माइंड को उसके साथ कनेक्ट करना है बिल्कुल बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बढ़ेंगे, आपको याद होगा फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई चेस्ट की थी हमने, वापस आएंगे चेस्ट पे, हाथ की प्लेसमेंट देख लीजिए आप, गौर कीजिए, चेस्ट के इक्वल है, थोड़ी सी डायगोनल जा रही है, वाइड जा रही है। हाँ, तो वी हैव मसल फैमिली। अगर आपको कोई कहेगा कि मसल ह्यूमन एनाटॉमी में सिर्फ 2 मसल्स हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पूरी फैमिली है, लोअर मिडल अपर, ठीक है? तो आपने डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वेरिएशन से इसको ट्रेन करना होता है। किसी भी फैमिली मेंबर को जैसे आप इग्नोर नहीं करना चाहेंगे, तो इसी तरह से मसल की फैमिली exactly. इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है जो इस वक्त काशिफ कर रहे हैं, और ये अगर आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी बहुत एहतियात और बहुत आहिस्ता तेज तेज स्विच करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है चेस्ट की, वो आएगी इस तरह से। ट्राइसेप की मेरी प्लेसमेंट देखी थी, हाथों की आपने ऐसे थी, अब मैं करूँगा अपने हाथ ऐसे पोजिशन, और आप कौन से मसल पे फोकस होगा? अभी हमारा चेस्ट ट्राइसेप अगेन, लेकिन प्राइमरी जो फोकस है मेरा वो चेस्ट पे होगा। देखिएगा ये, हाँ,
वेरी नाइस एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, लेकिन अगेन अपने हाथों की पोजिशन को बिल्कुल बैलेंस रखना है ताकि कोई आपको ट्विस्ट ना हो, कोई आपका इंजरी ना हो सके। आखिरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये है जी हमारी अगेन वापस बैक टू चेस्ट। आप यहाँ से इसको ग्रैब कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, बट आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि डंबल की लेंथ ज़्यादा है। एग्जैक्ट, यूजली हम प्लेट यूज़ करते हैं तो देखें सिर्फ यहाँ तक आ रहा है। आप इसको यूँ कर लीजिए या यूँ कर लीजिए। अब आपने अब अगेन इसमें देखें मेरा ट्राइसेप इन्वॉल्व है और चेस्ट इन्वॉल्व है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्क्वीज। और क्योंकि आप तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब ये आप एक्चुअली करेंगे तो साथ साथ पानी का सिप लेते रहना, नहीं बोलना। अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी बदल रहा है, कुछ दिनों के बाद गर्मी अपना थोड़ा सा पांव अपने कदम जमाएगी, तो साथ साथ पानी की सिपिंग बहुत जरूरी है और सांस इन एंड आउट बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये था हमारा आज का वर्कआउट। 4 सेट्स एवरी एक्सरसाइज, 6 to 8 repetitions। पानी साथ साथ पिए, देखें मैं सांस फूल रहा है। लेकिन आपने जब वर्कआउट करना है, बातें नहीं करनी है, आपने सिर्फ वर्कआउट करना है और फोकस करना है।